शुरू हो गया। चलो, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। गूगल शीट को मोबाइल में यूज़ भी करेंगे, इसी के साथ साथ उसमें चैट जीपीटी का भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। एक एआई का क्या करेंगे इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सेल में, गूगल शीट में। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल पर हम सर्च करेंगे गूगल शीट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं डेस्कटॉप साइड, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। मैंने पहले ही क्लिक करके रखा है, वो अच्छी बात है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर लेना तो आपका जो भी आपके सामने जो भी स्क्रीन है वो क्या डेस्कटॉप के रूप में आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, गूगल शीट, ठीक है। इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपके सामने क्या हो गया, गूगल शीट ओपन होकर आ चुकी है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी या एआई का हम यूज़ करने वाले हैं, ऐड इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। इसके बाद एक और ऐड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। दो बार दोनों तरफ ऐड है ना, इसे दोनों बार ऐड ऐड क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी एआई को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा ईमेल आईडी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ईमेल आईडी को पुट करके आगे प्रोसेस के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी जो एआई है वो यहाँ पर जुड़ चुकी है। इसी के साथ से इसको मैं मोबाइल में ऐप के जैसा दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा, चलो दिखाई दे रहा है नीचे, क्या दिखाई दे रहा है, ऐड होम स्क्रीन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पीछे आएंगे, बैक आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आया, हमारी वो होम स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब कि एक ऐप के जैसा हमारी साइड दिखाई दे रही है। इसको हम क्लिक करते हैं तो वैसे हम आए थे वहीं पर हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं।